दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मॉल, स्पा, जिम, ऑडिटोरियम पूरी तरह बंद रहेंगे। थिएटर को 30% कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकता है। वीकेंड में कर्फ्यू होगा। एसेंशियल सर्विसेज के लिए और एसेंशियल वर्क के लिए जो इनएविटेबल हैं और जिनके लिए पहले से तारीखें तय हो गई हैं, मसलन शादी, उनको स्पेशल कर्फ्यू पास के जरिए इजाजत होगी, वरना निषेधाज्ञा लागू रहेगी, कर्फ्यू लागू रहेगा। ये बता दिया गया है अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये भी कह दिया गया है कि ये आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। बेड्स को लेकर कमी के जो सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेड्स की एज सच कमी नहीं है। किसी स्पेशल हॉस्पिटल में, अगर किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग इंसिस्ट करने लगेंगे, जोर देने लगेंगे कि हमको तो यही एडमिशन लेना है, तो जाहिर है वहां जगह फुल हो जाएगी। वरना 5000 बेड्स अब भी अवेलेबल हैं, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन बेड्स की तादाद की संख्या बढ़ाई जा सके। अब जरा चलते हैं मानव यादव के पास। मानव यादव, ये भी कहा गया कि आप मीडिया वाले ये दिखाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि बिस्तर की हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्या स्थिति है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, एप्लीकेशन में बेड अवेलेबिलिटी का शो होना, लोगों का वहां पहुंचना और वहां बेड का नहीं मिलना, क्या स्थिति है या नहीं है? दिनेश, देखिए, क्योंकि 100 से ज़्यादा अस्पताल उसमें एप्लीकेशन में है, तो हर अस्पताल के भीतर एक नोडल ऑफिसर होता है, उसको जानकारी देनी होती है, उसके बाद दिल्ली सरकार उसको अपडेट करती है। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो उसको समय पर कुछ घंटों के बाद अपडेट करते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में ये देखा गया है कि उसको समय पर अपडेट नहीं करते, जिसके चलते लोगों को खासा दिक्कत हुई है। फिलहाल अगर दिल्ली में अस्पतालों की बात करें तो बेड काफ़ी अवेलेबल है, वेंटिलेटरों की संख्या काफ़ी कम है, 100 के करीब वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, लेकिन 4 बार ये वेंटिलेटर की संख्या अब तक बढ़ाई चुकी है। वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा, क्योंकि सरकार का मानना यह है कि वीकडेज के दौरान लोग अपना काम करने के लिए और पैसे कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वीकेंड्स में उतने आवश्यक काम नहीं होते, लिहाजा कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मानव के पास एक बार फिर से चलते हैं। मानव, ये बातें पहले से समझी जा रही थी, लेकिन बाजार भी एक कंसर्न है। ये ठीक है कि ये लिमिटेड किए गए, पर जोन पर डे एक बाजार लगेगा, लेकिन यहाँ पर तमाम एहतियात का ख्याल रखा जाए, मास्क से लेके डिस्टेंसिंग तक, इस बात को मॉनिटर किया जाएगा या नहीं? दिनेश, देखिए, अभी फिलहाल दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू को करीब एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन उसका कुछ खासा असर दिखा नहीं है, क्योंकि सरकार अभी ये मानती है कि नाइट कर्फ्यू बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होते हैं, और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं वो कर्फ्यू के दौरान भी लापरवाही कर रहे हैं, और जो लोग सावधानी बरत रहे हैं वे कर्फ्यू के दौरान भी सावधानी बरतते हैं, और कर्फ्यू आप नहीं लगाएंगे तब भी वो लोग सावधानी बरतते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा। सरकार कोशिशें कर सकती है, सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है। हम मेट्रोज में जाते हैं, बसेज में जाते हैं, कंडक्टर से लोग बहस करते हैं, कंडक्टर कहता है कि क्षमता भर चुकी है, बस भर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लोग लड़ने लगते हैं कि लेट हो रहे हैं, हमको जाना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समय पर निभानी होगी। सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है आपके लिए। बेड की अगर बात करें दिनेश, तो सबसे मैं हैरान हूँ कि लोग फ़ोन करके एक पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। अगर कोविड का घर में मरीज है तो उनको लगता है कि सीधा अस्पताल में जाना है। सरकार कह रही है कि अगर आपको कोरोना है, कोई लक्षण ज्यादा नहीं है, तो आप घर में रहिए, आपके डॉक्टर, दिल्ली सरकार के डॉक्टर आपके संपर्क में रहेंगे। मानव, बहुत धन्यवाद ये जानकारी, और ये लोगों के लिए भी एक मैसेज है। ये सच है कि इस बार लोगों में घबराहट पहले की तुलना में ज़्यादा है, संक्रमण देखते हुए, उसकी रफ्तार देखते हुए, लेकिन ये बात भी ख्याल रखिए कि अगर लक्षण आपके बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हैं, तो डॉक्टर से फ़ोन पर सलाह लीजिए और घर पर ही आप ठीक हो सकते हैं। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।